सरकार रहेगी तब तक बेरोजगारी रहेगी और हमें बदलाव लाना है। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। भाजपा से निराश होकर सपा में शामिल हुई माधुरी अवधेश श्रीनिवास, आने वाले वर्ष 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। जहां एक तरफ नेताओं में दल बदलने का सिलसिला चल रहा है तो वहीं दूसरी ओर अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में टिकट के लिए दावेदारी कर रहे नेता बड़े दलों को छोड़कर अब क्षेत्रीय पार्टियों में शामिल होना आम बात हो गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद की लाड विधानसभा 229 सुरक्षित सीट पर अपनी दावेदारी के लिए सबसे ज्यादा दावेदार समाजवादी पार्टी में नजर आ रही है और हाल ही में भाजपा छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल होकर माधुरी अवधेश श्रीवास राठ नगर पहुंचकर त्याग मूर्ति परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी की समाधि स्थल पर पहुंचकर पुष्प अर्पित करके माथा टेका और उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि उन्हें व उनके समाज को भाजपा ने कोई तवज्जो नहीं दिया है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने समाजवादी पार्टी में सदस्यता ग्रहण की है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी उनको चुनाव में मौका देगी तो उनके मुख्य मुद्दे राठ को जिला बनाना, स्वामी ब्रह्मानंद महाविद्यालय को विश्वविद्यालय में तब्दील करवाना के साथ साथ स्वामी ब्रह्मानंद जी को भारत रत्न दिलवाने की बात कही। स्वामी जी की समाधि पे आपने मत्था टेका है, क्या कहेंगी समाजवादी पार्टी में आने के बाद? पहले तो मैं परम पूजनीय स्वामी जी के चरणों में मत्था टेकने आई हूँ, उनका आशीर्वाद लेने आई हूँ। जो परम पूजनीय त्याग मूर्ति जिन्होंने घर घर दीप के पढ़ाई के शिक्षा के दीप जलाए उनका आशीर्वाद लेने आई हूँ और समाजवादी पार्टी में मैं आई हूँ क्योंकि समाजवादी पार्टी की विचारधारा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी की सकारात्मक सोच, उनकी नीतियाँ, उनके कार्यों से प्रभावित होकर मैं समाजवादी पार्टी में आई हूँ और मेरी समाज भाजपा से छला हुआ महसूस कर रही है और मुझे भी छला हुआ महसूस हो रहा है। जो समाज मुझे मेरी समाज को भाजपा में सम्मान नहीं मिला और मुझे आशा है वो समाजवादी पार्टी में मिलेगा। बहुत बढ़िया। विशेषताएं रहेंगी और क्या प्रमुखताएं रहेंगी इनको लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? मिलता है तो सबसे पहले विशेषताएं मेरी ये है कि स्वामी जी को भारत रत्न दिलाना है और राठ को जिला बनाना है और महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बनाना है। सरकार रहेगी तब तक बेरोजगारी रहेगी और हमें बदलाव लाना है। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और जब तक अखिलेश यादव जी नहीं आएंगे तब तक ये उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश नहीं बन सकता। और महंगाई के बारे में आप क्या कहेंगे? महंगाई से बहुत परेशान है चाहे हमारे किसान हो। ये सरकार किसान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, इसमें किसी भी किसान को कुछ नहीं मिला और खाद की लाइन में लगे खाद के लिए किसानों की जान चली गई और किसी की सुनवाई नहीं हो रही इसमें। और यही हम लोगों को मुद्दा उठाना है कि जब तक बाबा की सरकार रहेगी तब तक हमारा कुछ नहीं होने वाला, हमारे बच्चों का भविष्य और हमारा लोकतंत्र खतरे में है और हम लोगों को एकजुट होकर समाजवादी खुद पार्टी को जिताना है और भाजपा को हराना है। बहुत बहुत सबकी अपनी अपनी एक परिभाषा, एक कला जो अद्भुत, चाहे वो बच्चे हों या बुजुर्ग हों, ये प्रतिभा हर व्यक्ति, हर इंसान, हर पुरुष या महिला के अंदर होती है। हर किसी ना किसी के अंदर कोई ना कोई हुनर जरूर होता है। कुछ लोग दिखा पाते हैं और कुछ लोग दिखा नहीं पाते, तो दिखाना ज्यादा अच्छा है। समाज कोई भी हो, अब ये देखिए, ये जरूरी नहीं है कि यादव दिवाली खेले, ये लोग भी खेल रहे थे, अन्य समाज के लोग भी खेलते हैं, हर समाज के लोग खेलते हैं। और जैसा प्रधान जी ने कहा कि धीरे धीरे परंपरा लगभग खत्म होती जा रही, कई गांव में दिवाली नहीं होती लेकिन कई गांव में होती है, और दिवाली ना होती तो यहाँ ये आधा गांव इकट्ठा ना होता, ये महिलाएं भी हर खेत में होती और आप लोग भी अपनी बवाई और बखराई के चक्कर में खेतों में होती। जो सच्चाई है, जो आज का काम है, माहौल है, दिवाली और आज जब इकट्ठे
सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।